हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दीक्षालय इंस्टीट्यूट में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मैट्रिक्स। कल की क्लास में हमने देखा था कि मैट्रिक्स होता क्या है। हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया था, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया था। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं और उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिया, यहाँ पर हमें गिवेन है एक मैट्रिक्स ए 2-1 3-1 एंड बी मैट्रिक्स हमें गिवेन है 1-4-7-2। उसने कहा है हमसे कि फाइंड करो 3a-2b। ये क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें ए मैट्रिक्स गिवेन है और बी मैट्रिक्स गिवेन है और हमें यहां पर फाइंड करना है 3a-2b की वैल्यू। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए आप कि ए मैट्रिक्स हमें गिवेन है, बी गिवेन है, तो ए में तो हमें 3 का मल्टीप्लाई करना है और बी में हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है। या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 3a-2b है तो हम इसे लिख सकते हैं 3a+-2 times of b। कल मैंने आपको बताया था जब भी नेगेटिव करना होगा हमें, एक सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स करना होगा तो माइनस साइन को हम प्लस लगाकर अलग से ले लेते हैं। तो अब हम ऐसे ही करेंगे, 3 लिखेंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2-1 3 और 1 -2 times, बी मैट्रिक्स है 1-4-7 और 2। इंटू कर देंगे, 3 का इंटू करेंगे, सारे एलिमेंट्स में इंटू होगा, 6-3 9 और 3। यहां पे इंटू करेंगे तो -2 -8 -14 और -4। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, 6-2 4 आ जाएगा, -3 -8 -11 आ जाएगा, 9-14 तो -5 आ जाएगा, 3-4 तो ये -1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपके पास वो हो जाएगा 4-11 -5 और -1। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसी टाइप का। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवेन है, इफ x+y=7025 एंड x-y=3003, फाइंड x एंड y। यहां पर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि x+y की वैल्यू दे रखी है, मैट्रिक्स x+y की वैल्यू हमें जो दे रखी है वो दे रखी है 7, 0, 2 और 5, मैट्रिक्स x-y 3003 और हमें x और y अलग अलग हमें निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि अगर हम देखेंगे कि पहले क्वेश्चन में, पहले वाली इक्वेशन में y पॉजिटिव का है, दूसरे में y नेगेटिव का है, अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो y कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं सॉल्यूशन में, हमने करा x+y + x-y, यहां पर हो जाएगा 7025 + 3003, यही हो जाएगा। x+y करा और यहां पर हमने क्या करा, x-y करा, तो ये दोनों ऐड में आ गए हमारे पास। अगर हम इसको ओपन करेंगे x+y + x-y तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर 7+3 10, 0+0 0, 2+0 2, 5+3 कितना आ जाएगा 8, x+x कितना हो गया 2x=10028, ये वाला 2 नीचे चला जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 1/2 10028, 2 को अंदर भेजेंगे, जब 2 को अंदर भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा 501 और 4, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब जब x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू आप निकाल सकते हो, इस इक्वेशन में पुट कर दो या इस इक्वेशन में पुट कर दो। मान लीजिए हमने इस वाली इक्वेशन में पुट करा, तो यहां से जो y की वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगी, या फिर आप यहां से ले लीजिए कि x+y हमें दे रखा है, तो y हो जाएगा आपके पास 7025 - x। अब माइनस एक्स करेंगे तो एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, 7025 - लगाएंगे 5014 इक्वल्स टू करेंगे, माइनस करने पर 7 - 5 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये आपका 0 - 0 0 हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा और 5 - 4 भी कितना हो जाएगा 1, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू निकल कर आ गई, वाई की। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके पास आएंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि हम इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जब आप क्वेश्चन घर पे करें तो ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेशन बिल्कुल सही करें,
काफी इजी होता है मैट्रिक्स के क्वेश्चनों को सॉल्व करना, बस आपको कैलकुलेशन पर ध्यान देना है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, और एक बार क्वेश्चन करने के बाद आप चेक जरूर कर लीजिएगा। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है मैट्रिक्स में, वो होता है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अभी तक हमने ये देखा कि मैट्रिक्स होता क्या है, दो मैट्रिक्स को मैड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, स्केलर का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक्स में वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप ध्यान से देखिएगा कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे होती है। जैसे हमने देखा था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में एक कंडीशन थी कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए, एडिशन में भी कंडीशन थी कि ऑर्डर सेम होने चाहिए, इसी तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में भी एक कंडीशन होती है। मान लीजिए कि हमारे पास दो मैट्रिक्स दी गई हैं, एक मैट्रिक्स ए है, ए आई जे, इसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन, एंड दूसरी मैट्रिक्स हमें बी दी गई है, बी आई जे, इसका जो ऑर्डर है वो है पी क्रॉस क्यू। अब हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है, हमें निकालना है ए इंटू बी, ए इंटू बी निकालना है तो ये हो जाएगा ए आई जे एम क्रॉस एन इंटू में बी आई जे इंटू में पी क्रॉस क्यू। अब क्या ये मल्टीप्लाई होगा, क्या हमेशा मल्टीप्लाई होगा? उसके लिए तुम्हें एक कंडीशन याद रखनी पड़ेगी आप लोगों को, वो क्या होती है कि जब भी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो इसमें एक कंडीशन लगती है कि जो एन की वैल्यू है वो पी के बराबर होनी चाहिए, दैट इज एन इक्वल्स टू पी। तो यहां पे आप लिख सकते हो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधी सी बात है कि दो मैट्रिक्स लेके चलेंगे ए और पी, तो ए इंटू बी पॉसिबल कब होगा? तो उसके लिए आपको कंडीशन याद रखनी है कि ये पॉसिबल कब होगा, तब होगा जब नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। जब ऐसा होगा तभी सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा। अब पहले में अगर हम देखेंगे, अगर इसका ऑर्डर m इंटू एन है तो इसमें नंबर ऑफ रो हो गई m और नंबर ऑफ कॉलम हो गए n। अगर हम दूसरे में देखेंगे तो इसका ऑर्डर p इंटू क्यू है, यहाँ पे नंबर ऑफ रो हो गई आपके पास p और नंबर ऑफ कॉलम हो गए आपके पास q। तो पहली रो में पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए n, दूसरी इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रो के, तो p। तो जब n इक्वल्स टू p होगा तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। अब बात आती है कि आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि मान लीजिए कि आपने a इंटू बी करा और आपको एक मैट्रिक्स मिल गई c, तो जो c का ऑर्डर मिलेगा आपको वो मिलेगा m क्रॉस q के बराबर, यानी पहले वाले की रो होंगी और दूसरे वाले का कॉलम। इतनी बात आपको समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि जब भी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक चीज चेक करनी है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई पॉसिबल कब होगा। वो पॉसिबल तब होगा जब नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। सबसे पहले आपको ये देखना है कि n किसके बराबर हो जाए, p के। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई हो गया तो अब जो फाइनल जो मैट्रिक्स मिलेगी आफ्टर मल्टीप्लीकेशन उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर होगा n इंटू क्यू, m इंटू क्यू, यानी पहले वाले के नंबर ऑफ रोज लिए जाएंगे और दूसरे वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स लिए जाएंगे। तो यहां से जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो उन दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स होगी। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई होगी, मैंने आपको कंडीशन बता दी कि पॉसिबल कब होगा। अब हम इसमें देखते हैं आगे, एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें अगर मल्टीप्लाई करना होगा तो हम कैसे करेंगे। अब देखिए हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, मैंने ए एक मैट्रिक्स ली 1 2 3, रो 1 है, कॉलम कितने हैं 3। दूसरी मैंने एक मैट्रिक्स ली बी, मैंने लिया 1 3 5, रो 3 ली और कॉलम 1 लिया। अब उसने पूछा है इज ए बी पॉसिबल और नॉट,
वो ये पूछना चाह रहा है कि क्या a इंटू बी पॉसिबल होगा, क्या हम a इंटू बी फाइंड कर सकते हैं, हाँ या ना, मैं आंसर दे देना है आपको। तो आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया था जब भी आप a इंटू बी करोगे तो पहली मैट्रिक्स लिखोगे 1 2 3, इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3। दूसरी मैट्रिक्स लिखोगे 1 3 5, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1। देखो आपस में बराबर है, तो यहां पे आप लिखोगे नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी, सो ए बी इज पॉसिबल। अब इसके बाद क्वेश्चन आएगा कि पॉसिबल तो हो गया, अब जो फाइनल मैट्रिक्स निकल कर आएगी ए बी की, उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर भी आप निकाल सकते हो। मान लीजिए कि ए बी सॉल्व करके सी के बराबर आएगा, तो पहले वाले की रो लेनी है, पहले वाले में कितनी रो है, एक, और दूसरे वाले में कॉलम लेना है तो उसके में कितने कॉलम है, एक। तो जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी उसका जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, 1 क्रॉस 1 का आएगा। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। अब मैं आपको बताता हूं कि ये तो एक हो गया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई पॉसिबल कब होता है, ये आपने देख लिया किस कंडीशन में पॉसिबल होता है, फाइनल मैट्रिक्स क्या मिलेगी। अब हम ये देखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन होता कैसे है। अगर हमें दो अलग अलग मैट्रिक्स दी हैं और हमसे कह दिया जाएगा कि उनका मल्टीप्लाई निकालो, तो वो आप लोग कैसे निकालोगे। ये तो आपने ये पढ़ लिया कि मल्टीप्लाई होगा कैसे, किस कंडीशन में होगा, पॉसिबल कब होगा, ये सारी चीजें आपने पढ़ ली। अब बात आती है कि जब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई आपको पता लग गया कि पॉसिबल है, यानी आप मल्टीप्लीकेशन फाइंड कर सकते हैं, तो उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि इन दो मैट्रिक्स को भाई मल्टीप्लाई करके दिखाइए। तो जब उन दो मैट्रिक्स को आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो हम देखते हैं। ये मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि जैसे मैंने ए एक मैट्रिक्स ली 2 बाय 3 की ले ली मैंने, A11, A12, A13, A21, A22, A23। तो मैंने ये 2 बाय 3 की एक मैट्रिक्स ले ली। अब मैंने दूसरी मैट्रिक्स ली बी की, B11, B12, B21, B22, B31, B32। ये जो मैट्रिक्स है मैंने वो 3 बाय 2 की ले ली। पहली मैट्रिक्स मैंने जो ऑर्डर की ली वो 2 बाय 3 की ली, 2 रो और 3 कॉलम। दूसरी वाली मैट्रिक्स मैंने जो ली वो 3 रो और 2 कॉलम की ली। अब मुझे A इंटू B करना है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूंगा कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं 3, यानी पॉसिबल तो है, पॉसिबल है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो ए बी की वैल्यू हमने मान ली सी आ रही है, सी आई जे। अब इसकी जो सी आई जे आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, पहले वाले की रो और दूसरे वाले के कॉलम, यही तो आएगा। अब यहां पर हम देखेंगे तो सी आई जे 2 C11, C12, C21 और C22, क्योंकि 2 क्रॉस 2 का लेना है। ये किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, इन दोनों के मल्टीप्लाई पे, A11, A12, A13, A21, A22, A23। इसका मल्टीप्लाई हमें करना है B11, B12, B21, B22, B31, B32 के साथ। अब ये पॉसिबल कैसे होगा, हम कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम कैसे दिखाएंगे, फाइनल जो आउटपुट आएगा C11 और C12, C21, C22, इनकी वैल्यूज कैसे निकलेंगी हम वो देखते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि यहां पर हमें 4 एलिमेंट मिलेंगे। पहला एलिमेंट को हम फाइंड करते हैं C11 को, तो C11 हम कैसे निकालेंगे। अब मैंने कल आपको बताया था कि C11 लिखते हैं यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये मैंने आपको बताया था कि I की वैल्यू भी 1 है यहाँ पे और J की वैल्यू भी 1 है। अब I और J जब दोनों की वैल्यू 1 है तो यानी इसका रो नंबर भी 1 है और कॉलम नंबर भी 1 है। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में आप इसको कुछ दूसरे तरीके से देख सकते हो। आप ये देखो कि ये 1 1 बता रहा है, इसका मतलब रो 1 लेनी है कॉलम 1 लेना है। तो मल्टीप्लाई के केस में ये कहता है कि रो 1 इसकी ये है और इसका कॉलम 1 ये है, यानी रो नंबर तो पहले वाले से पता लगेगा, कॉलम नंबर दूसरे वाले से। रो पहली मैट्रिक्स में लेनी है और कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का लेना है। तो ये कह रहा है कि रो 1 का कॉलम 1 से इंटू कर दो, रो 1 का कॉलम 1 से क्या कर दो, इंटू कर दो। अब इंटू करने पर जो वैल्यू मिलेगी वो C11 की वैल्यू हो जाएगी। अब रो 1 1 का जब मल्टीप्लाई इससे करोगे आप, तो देखो कैसे करोगे, पहली रो का पहले कॉलम से करोगे, इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है कि पहले एलिमेंट का इंटू पहले से करो, फिर प्लस का साइन लगाओ, फिर दूसरे एलिमेंट का दूसरे से करो, फिर प्लस का साइन लगाओ, फिर तीसरे एलिमेंट का तीसरे से करो। देखो पहले का पहले से A11 B11 इंटू कर दिया, प्लस लगाया, दूसरे का दूसरे से A12
B21, तीसरे एलिमेंट का तीसरे से प्लस साइन लगाया A13 B31, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का इनटू पहली रो का पहले कॉलम से करना है, तीनों में वैल्यू बराबर है, इसमें भी तीन वैल्यूज है, इसमें भी तीन वैल्यूज है, पहले का पहले से इनटू कर दिया प्लस साइन लगाओ, दूसरे का दूसरे से इनटू कर दिया प्लस साइन लगाओ, तीसरे का तीसरे से। अब दूसरा एलिमेंट निकालो C12, वो कह रहा रो तो वन ही रहने दो, कॉलम कौन सा कर दो दूसरा वाला, रो तो वन ही रहने दो, कॉलम जो है वो सेकंड वाला ले लो। इतनी बात समझ में आई आपको? पहले का पहले से A11 B12 प्लस दूसरे का दूसरे से A12 B22 प्लस तीसरे का तीसरे से A13 B32, ये आपके पास C11 और C22 की वैल्यू आ गई। अब C21 की वैल्यू निकालेंगे। C21 की वैल्यू में हमें यहां पे दे रखा है कि रो नंबर हो गया 2 और कॉलम नंबर हो गया 1, यानी दूसरी रो लो और कॉलम फैला लो, तो ये आपका हो जाएगा A21 B11 प्लस A22 B21 प्लस A23 B31। इतनी बात समझ में आया? पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे का, बीच में प्लस का साइन। चौथा एलिमेंट फाइंड करेंगे C22, सेकंड रो सेकंड कॉलम, रो पहले वाले में लेनी है, कॉलम दूसरे वाले में लेना है। अब देखिए कैसे निकलेगा, A21 B12 प्लस A22 B22 प्लस A23 B32, तो ये जो फाइनल वैल्यू निकल कर आएगी, ये आपकी वैल्यू निकल कर आएगी A into B की, जैसे हमने C माना था C11 C12 C21 और C22। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार और आप सुन लीजिए कि जब भी हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना होगा तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पहले वाले में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के बराबर होने चाहिए। यहाँ पर ये 3 है, ये 3 है, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। सेकंड हम ये देखेंगे कि आउटपुट में मैट्रिक्स जो मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर वो होगा जो पहले वाले की रो होगी वो उसकी रो बन जाएंगी, दूसरे वाले में जितने कॉलम होंगे वो उसका कॉलम बन जाएगा। यहाँ पे इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था, तो फाइनल मैट्रिक्स हमें 2x2 की मिल गई। हमने वो मैट्रिक्स सी मान ली, C11 C12 C21 और C22। अब आगे चले हम, अब वो ये कह रहा है कि मल्टीप्लाई करके दिखाइए। आपको ये पता लग गया कि मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, आपको ये पता लग गया कि ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, फाइनल ऑर्डर ये मिलेगा। अब आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है कि आप यहाँ पर देखेंगे कि मल्टीप्लाई करने के लिए आप इन एलिमेंट्स को देखिए। यहां पर हमें दे रखा है C11, तो C11 का मतलब हो गया कि I और J1, यानी पहली रो और पहला कॉलम। अब मैंने कल आपको बताया था कि ये एलिमेंट फाइंड करने के लिए होता है कि पहली रो पहले कॉलम में चले जाइए। मल्टीप्लाई में हम किसको अलग तरीके से देख सकते हैं कि पहली मैट्रिक्स की पहली रो लो और दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम लो और उन दोनों का क्या कर दो, इंटू कर दो। तो पहली रो ये रही और पहला कॉलम ये रहा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का इंटू होगा पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से और तीसरे का तीसरे से। तो A11 into B11 प्लस A12 into B21 प्लस A13 plus B31। इतनी बात समझ में आ गई आपको? इस तरीके से हम ये चारों निकाल देते हैं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा काफी हद तक। इसके आगे हम एग्जाम्पल करेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। अब हम प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। कि हमारे पास दो मैट्रिक्स ये रखी हैं, उनका अगर हमें मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करेंगे। अब देखिए आप कि जब भी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कल हमने एक पढ़ा था एडिशन के केस में कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव क्या होता था? कम्युनिकेटिव होता था कि a प्लस बी कर दो या फिर a माइनस वो b प्लस a कर दो तो बात बराबर थी, लेकिन मल्टीप्लाई के केस में ऐसा नहीं होता। a इंटू b बराबर नहीं होता है b इंटू a के, जनरली नहीं होता है।
एक दो एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, लेकिन कई बार तो ऐसा भी होता है कि ए इंटू बी तो पॉसिबल है लेकिन बी इंटू ए पॉसिबल ही नहीं होता। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कम्युनिकेटिव नहीं होता है। तो जब भी आपसे पूछेंगे कि कम्युनिकेटिव होता है तो आप बोलेंगे नहीं। दूसरी कंडीशन आती है आपके पास एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है, एसोसिएटिव होता है इसका मतलब पहले ए इंटू बी कर दो फिर सी का कर दो, या फिर पहले बी इंटू सी कर दो फिर उसमें ए का मल्टीप्लाई कर दो, बात बराबर आती है। ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, ऑर्डर सेम है, ए पहले है बी बीच में और सी बाद में है। जब तक ऐसा रहेगा तो मल्टीप्लीकेशन सेम रहेगा। ए इंटू बी पहले कर दीजिए फिर उसका सी में कर दीजिए, या फिर पहले बी इंटू सी कर दीजिए फिर उसका ए में कर दीजिए, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो फाइनल आंसर निकल कर आएगा वो हमेशा कैसा निकल कर आएगा, सेम निकल कर आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन। जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है मैट्रिक्स एडिशन पे। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है कि हमारे पास पहले b प्लस सी कर लूँ, दो मैट्रिक्स हैं b और c उनको ऐड कर दो फिर उसका a से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर पहले a का b में मल्टीप्लाई कर दो और a का c में मल्टीप्लाई कर दो फिर उनको ऐड कर दो, बात बराबर आएगी। यानी दो मैट्रिक्स को पहले ऐड कर लो फिर उसमें a का इंटू कर दो, या फिर पहले मल्टीप्लाई कर दो a का b में और a का c में, फाइनल जो दो मैट्रिक्स मिले उन दोनों को क्या कर दीजिए आप, ऐड कर दीजिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या ऐसा आएगा, सेम आएगा। अगला आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है कि ऐसे किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना जिससे पर्टिकुलर मैट्रिक्स की आइडेंटिटी चेंज ना हो, यानी उसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो एडिशन के केस में हमने देखा था कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता था वो नल मैट्रिक्स होता था, क्योंकि जीरो ऐड करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। इसी तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में अगर मल्टीप्लाई वाले केस में देखते हैं तो वन होता है, अगर हम वन से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो मैट्रिक्स में वन तो कुछ होता ही नहीं है, तो मैट्रिक्स में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसको हम क्या लेके चलते हैं, वन लेके चलते हैं। तो अगर हम आई का इंटू, अगर मान लीजिए कि हमने एक मैट्रिक्स ए मानी ए आई जे एम क्रॉस एन, तो अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m का इंटू ए में कर देंगे तो भी हमें a ही मिलेगा, या फिर a का इंटू हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n में कर देंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, a मिलेगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे n ले लेता तो पॉसिबल ही नहीं होता मल्टीप्लाई, और यहाँ पे m ले लेता तो भी नहीं होता, क्योंकि पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के बराबर होने चाहिए। इसलिए यहाँ पर अगर लेंगे तो ऑर्डर m की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, और यहाँ पर अगर लेंगे तो ऑर्डर n की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। चार टाइप हो गए आपके प्रॉपर्टीज के। फिफ्थ प्रॉपर्टी कि जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो नल मैट्रिक्स ही मिलेगी। नल मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करने पर वो मैट्रिक्स भी नल मैट्रिक्स बन जाती है, क्योंकि जीरो से जब भी हम किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने मान लिया एम क्रॉस एन, साथ में इंटू करा ओ मैट्रिक्स यानी नल मैट्रिक्स का ऑर्डर मान लिया हमने एन इंटू पी, तो फाइनल जो मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स मिल जाएगी, जिसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, एम इंटू पी हो जाएगा, क्योंकि दोनों एन बराबर है इसलिए मल्टीप्लाई तो हो ही जाएगा। फाइनल जो मैट्रिक्स मिलेगी वो एम क्रॉस पी की मिल जाएगी, यानी पहले वाले के रो और दूसरे वाले के कॉलम। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये चीजें हमने पढ़ी, ये जो हमने चीजें पढ़ी थी ये हमने पढ़ी है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में पढ़ने का तो इतना ही था, आपको ये पता लग गया कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल कब होता है, हम कैसे उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, और क्या क्या कंडीशंस होती हैं। प्रॉपर्टीज आपने पढ़ ली, मल्टीप्लीकेशन आपने देख लिया दो मैट्रिक्स का कैसे होता है। अब हम इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि अगर एग्जाम्पल आपके पास आ जाते हैं तो आप कैसे उसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, हमें दो मैट्रिक्स दे रखी हैं ए और बी। क्वेश्चन में हम देखेंगे हमें एक मैट्रिक्स ए दे रखी है 1-1, 2-3 और दूसरी मैट्रिक्स हमें बी दे रखी है 2-1, 1-0। अब वो ये कह रहा है कि फाइंड करो ए बी को एंड देन शो
ए प्लस बी का होल स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवेन है कि हमें एक मैट्रिक्स ए गिवेन है 1 माइनस 1 2 और 3, एक मैट्रिक्स बी गिवेन है 2 1 1 0। तो हमें पहले तो ए बी फाइंड करना है, उसके बाद हमें ये शो करके दिखाना है कि ए प्लस बी का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर नहीं है, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर नहीं है। ठीक है, देखिए आप सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी करते हैं, पहली मैट्रिक्स लिखेंगे 1 माइनस 1 2 3, इसका ऑर्डर 2 बाय 3 है, 2 बाई 2। दूसरी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 1 1 0, इसका ऑर्डर भी 2 बाई 3 है। यहाँ पे 2 2 बराबर है, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तो पॉसिबल होगा, और जो फाइनल मैट्रिक्स मिलेगी वो हमें 2 बाई 2 की मिलेगी। तो यहाँ पे हम 2 बाई 2 की मैट्रिक्स बना लेते हैं। अब पहला एलिमेंट अगर हम निकालेंगे, तो पहला एलिमेंट निकालने के लिए हमें पता है कि पहली रो पहला कॉलम, तो पहली रो पहला कॉलम 1 × 2 प्लस का साइन लगाओ, माइनस 1 × 1, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा निकालेंगे तो पहली रो दूसरा कॉलम 1 × 1 प्लस माइनस 1 × 0, ये निकालेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 2 प्लस 3 × 1। अगला निकालेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 × 1 प्लस 3 × 0, इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। तो 1 × 2 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 को आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हो। यहाँ पे 1 × 1 1, 1 प्लस 0 1, 2 × 2 4, 3 × 1 3, 4 + 3 7, यहाँ पे करेंगे 2 × 1 2, 3 × 0, तो 1 1 7 2, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ए बी की वैल्यू ये आपके पास आ गई। अब आपको ए बी मिल गया, अब आपको ये शो करके दिखाना है कि ए प्लस बी का जो स्क्वायर है वो बराबर नहीं है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास ए बी की वैल्यू आ गई, तो साथ के साथ आप 2ab की वैल्यू निकाल सकते हैं, हर एक एलिमेंट में 2 का इंटू हो जाएगा 2 2 14 और 4। अब आगे चलते हैं, आप ए स्क्वायर निकालिए, ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकती हैं, ए इंटू ए, यानी 1 माइनस 1 2 3 इंटू में आप करेंगी तो 2 1 1 0, इसका इंटू करेंगी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 1 ज़ा 2 और माइनस का 1, 2 माइनस 1 1 हो गया, 1 × 1 1 माइनस 1 × 0 0, 1 × 1 1 हो गया, 2 × 2 4, 3 × 1 3, 4 + 3 7 हो गया, 2 × 1 2 3 × 0 0 हो गया, तो ये आ गया 2 1 1 7 2। ये आपके पास 1 1 7 2 आ गई ए स्क्वायर की वैल्यू। तो अब आगे चलेंगे, तो अब आपके पास किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, आपको यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, 2ab की वैल्यू मिल गई, अब आपको जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है बी स्क्वायर की। अब बी स्क्वायर की आप वैल्यू निकालेंगे, तो बी स्क्वायर की वैल्यू में आप क्या करेंगे, b इंटू बी, यानी 2 1 1 0 इंटू में 2 1 1 0। एक चीज़ आपको करेक्ट करनी पड़ेगी कि हमने यहाँ पर क्या करा कि a इंटू ए करना था हमें, वो a इंटू बी कर दिया हमने, वो आंसर सेम आ रहा था मुझे लग रहा था, तो हम a इंटू ए करेंगे तो 1 माइनस 1 2 3, ये 1 माइनस 1 2 3 हो गया। a इंटू ए अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं तो अब करेंगे तो देखिए 1 × 1 1 और 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस 1 और माइनस 3 माइनस 4 हो जाएगा, 2 + 6 8 हो जाएगा, माइनस 2 + 9 ये आपका 7 हो जाएगा। अब बी स्क्वायर आप निकालोगे तो इसमें आप बी इंटू बी करोगे, बी की वैल्यू आपके पास 2 1 1 0 इंटू में 2 1 1 0, तो 2 2 4 और 1 × 1 1, तो 4 + 1 आपका हो गया 5, 2 1 2 1 × 0 0 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा आपके पास, 1 × 2 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 × 1 0 × 0, तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास 5 2 2 1। अब आपको निकालना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आप वैल्यू पुट कर दोगे, ए स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है आपके पास वो आ रही है माइनस 1 माइनस 4 8 7, 2ab की जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2 2 14 4 और बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5 2 2 1। अब इसकी जब आप वैल्यू निकालोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, देखिए माइनस 1 प्लस 2 1, 1 प्लस 5 6, माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2, माइनस 2 और प्लस 2 0, 8 प्लस 14 22, 22 प्लस 2 24, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 1 12,
तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 6, 0, 24 और 12। तो ये आपके पास LHS निकल कर आ गया। अब इसके बाद आप RHS निकालेंगे। RHS निकालने के लिए आपको क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको a प्लस बी फाइंड करना पड़ेगा और फिर उसके स्क्वायर को फाइंड करना पड़ेगा। ये मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब हम सबसे पहले निकालेंगे a प्लस बी। ए प्लस बी निकालने के लिए 1 माइनस 1 2 3, इसमें हम प्लस कर देंगे 2 1 1 0 को। तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आपकी आ जाएगी 3 0 2 प्लस 1 3 और 3 प्लस 0 3। ये आपके पास आ गई 3 0 3 3, क्योंकि 2 प्लस 1 3 हो गया आपके पास, -1 प्लस 1 0 हो गया आपके पास, 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 प्लस 0 ये हो गया। अब आपको निकालना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू में ए प्लस बी। तो ये वो आपके पास हो जाएगा 3 0 3 3 इंटू में 3 0 3 3। जब आप करेंगे तो देखिए पहली रो पहला कॉलम 3 इंटू 3 9 और ये 0 हो जाएगा, 0 और 0, 3 इंटू 3 9 3 इंटू 3 9 9 और 9 18, 0 और 3 इंटू 3 9। तो ये आ गया आपके पास। अब ये आपस में बराबर नहीं है तो आप लिख सकते हैं सो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस p स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। वैसे हम देखेंगे तो मैथमेटिकली ये फॉर्मूला ट्रू है कि a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में अगर हम इसको अप्लाई कर रहे हैं तो सही नहीं आ रहा। ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। ए बी किसके बराबर नहीं होता है, बी ए के बराबर नहीं होता है। अगर ए भी बी ए के बराबर होता है तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो ये आपको क्वेश्चन से क्लियर